अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप बैंक मस्कत की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना बारकोड देख सकते हैं और कैसे दूसरे बंदे का मोबाइल नंबर डालकर क्विकली उसका अकाउंट ले सकते हैं। अगर आप मैनुअली उसका अकाउंट नंबर डालेंगे तो वो 30 मिनट के बाद वेरीफाई होता है और बहुत टाइम ले। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था कैसे बार कोड देखते हैं अपना। मैंने यूट्यूब पर भी बहुत सर्च किया तो यूट्यूब पर मुझे कोई वीडियो नहीं मिली, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको पूरा तरीका समझा सकूँ। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरा तरीका सही से समझ आ सके। तो हम चलते हैं अपनी बैंक मस्कत की एप्लीकेशन की तरफ, और एप्लीकेशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको तरीका पूरा समझ नहीं आएगा, और पूरी तरीका अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे ब्लेम करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम बैंक मस्कत की एप्लीकेशन की तरफ, इसको ओपन करते हैं। थोड़ा सा बफर होने में टाइम लेगी ये, तो सब्र तो करना पड़ेगा। और ये आगे हमारा अंगूठा, इस पर हम अंगूठा छापते हैं, अंगूठा छापा और ये हमारा आईडी बफर होके खुल चुका है। तो नीचे देखें कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे स्कैन का ऑप्शन बना हुआ है। देखें अभी यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं भी खजल हो रहा था यहाँ पे क्लिक कर करके, यहाँ पे कहीं भी मुझे अपना बारकोड का ऑप्शन नहीं मिला। ये सिर्फ आप स्कैन करके अगले बंदे को पैसे दे सकते हैं यहाँ से। तो बैक करेंगे हम, देखिए नीचे मिडल पे देखेंगे ट्रांसफ़र का बटन बना हुआ है, ट्रांसफ़र दरमियान में, तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसा मेन्यू शो होगा। तो आपने यहाँ पे सेकंड लास्ट जो बना हुआ है मोबाइल पेमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, अब मैनेज और ट्रांसफ़र लिखा हुआ है तो हमने सबसे पहले मैनेज पे क्लिक कर लेना है। बफर होने देते हैं हम इसको, तो ये बफर हो रहा है अभी। ये आ गया जी सामने हमारा बार कोड। सबर माड़ा, अभी स्किप नहीं करना, अभी बहुत ऑप्शन बाकी हैं पीछे। ये ना हो कि आप आधी वीडियो छोड़ के चले जाओ और फिर बाद में हमें कोसो। तो शेयर पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं इसको आप शेयर कर सकते हैं, इसका प्रिंट बना सकते हैं, आप किसी को भी भेज सकते हैं, या फिर जैसे हम अभी देख लें कौन कौन से इसमें ऑप्शन है। बारकोड से भी स्कैन कर सकते हैं, ये प्रिंट का ऑप्शन है, इसमें लैंडस्केप और ये देखें इसकी लेआउट है डिफरेंट किस्म की। खैर हमें ये कुछ नहीं करना, हम बैक करते हैं, होम स्क्रीन पर आते हैं जी। फिर से हम आगे बैंक मस्कत पे डबल क्लिक हो गया था जिससे हम बैक चले गए थे, तो हमें फिर से अंगूठा छापना पड़ेगा। अंगूठा मारते हैं हम इस पर। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने दूसरे बंदे का मोबाइल नंबर डालकर क्विकली उसका अकाउंट नंबर ले सकते हैं जो उसके अकाउंट से लिंक है। तो हमने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया मोबाइल नंबर पे, अभी आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। पहले आपने मैनेज पे क्लिक किया था, सेम ऑप्शन है, अभी आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। तो देखें सामने आ गया सेंड का ऑप्शन फर्स्ट वाला, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये सब कुछ आपके सामने शो कर देगा। यहाँ पर आपने करना है जी मोबाइल नंबर उस बंदे का डालना है जो उसके अकाउंट से लिंक है, और कंटिन्यू करेंगे तो उसका अकाउंट नंबर भी आ जाएगा और उसका नाम भी आ जाएगा। आप नाम वेरीफाई करेंगे, अगर वही सेम है तो आप कितने पैसे भेजने वो लिख के उसको आप ओके कर सकते हो। आपके पास वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप उसको ओके करेंगे तो उसके पैसे चले जाएंगे। तो आखिर मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल से